हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आप सबों को मत्स्य पहाड़ की छोटे सा किचन में आप सबों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा रेसिपी लेकर आया हूँ दोस्तों, आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं खाना से बनाऊंगा एक ऐसा मिठाई जो आप खाएंगे ना तो फिर वाह वाह करते रह जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए आओ उस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए लेट स्टार्ट दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें 200 ग्राम चावल लेनी है। दोस्तों अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं, हम 200 ग्राम को बना रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने 2 घंटा पहले भिंगो के रखा था और मेरा बड़ी तरह से फूल गया है, यानी कि अच्छी तरह से मेरा एकदम मेरा फूल गया है कि नहीं दोस्तों, ये मेरा इस तरह दबाने से टूट जाता है कि नहीं। दोस्तों चलिए अगला स्टेप कर चलते हैं। दोस्तों ये है, मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने घी ऐड किया और घी पिघलने के बाद अब इसमें हमें दूध ऐड करना है, ठीक है। दोस्तों दूध मैंने 1 लीटर लिया है और 1 लीटर दूध को हमें अच्छी तरह से उबालना है कि नहीं। दोस्तों उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला, आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला और इसको हम मिला लेते हैं हल्का, है कि नहीं। दोस्तों करीबन इसको 2 से 3 मिनट इसको हम ढक के रखते हैं ताकि उबाल जल्दी आ जाए कि नहीं। दोस्तों मेरा 2 से 3 मिनट हो गया और मेरा दूध जो है ना उबाल हल्का आ गया है। उसके बाद जो चावल हमने भिंगो कर रखा था उस चावल को उसी में ऐड कर देनी है और इसको हमें पकाना है 5 से 10 मिनट तक, है कि नहीं। दोस्तों इसको लो फ्लेम पे पकाइए, अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो फिर आपका नीचे पकड़ लेगा, क्योंकि दूध जो है ना बहुत जल्दी पकने वाले यानी पकड़ने वाले चीज़ है कि नहीं। अगर आप वो थोड़ा ही देर कर देते हैं ना तो फिर आपका दूध पकड़ लेता है नीचे, है कि नहीं। दोस्तों इस तरह से हिलाते रहना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, अब हिलाते हिलाते ऐसा पक जाएगा, है कि नहीं। दोस्तों देख रहे हैं तेरा मतलब अभी इतना जल्दी देखो कैसा मतलब गीला हो गया है कि नहीं, यानी कि टाइट हो गया है। ओके दोस्तों, इस तरह से हमें मिलाते रहना है जब तक बड़ी तरह से पक नहीं जाता है, ठीक है। दोस्तों ये मेरा लगभग पक गया है, अब इसको निकाल लेते हैं कि नहीं। दोस्तों एक प्लेट में मैंने निकाल के रखा है, इसको हम 2 से 3 मिनट इसको ऐसे रहने देते हैं, ठंडा होने देते हैं, तब तक हम चाशनी की ओर चलते हैं कि नहीं। दोस्तों 1 लीटर मैंने पानी लिया है और ये 2-3 इलायची मैंने थोड़ा डाल दिया है और उसमें आधा कप से थोड़ा सा ऊपर मैंने चीनी लिया है, ठीक है, करीबन 200 ग्राम आसपास होगा। ओके, उसको जल्दी उबाल आने के लिए मैं इसको 2 से 3 मिनट इसको ढक लेते हैं, ठीक है। चलिए उबाल आने तक मैं दूसरा प्रोसेस की ओर चलते हैं। दोस्तों हाथ में थोड़ा सा घी लेनी है और जो हमने जो निकाल कर रखा था वो हल्का ठंडा हो गया है और इसको अच्छी तरह से हल्का यानी कि इसको मिलाना है। ओके दोस्तों, इसको ज़ोर से दबाइएगा नहीं, कि अभी तो गर्म है ना, फिर आप हाथ में चिपक जाएगा तो हाथ भी जल सकता है। ओके तो दोस्तों इस तरह से हमें बना लेनी है और आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ये देख रहे हैं इतना मस्त मज़े से बन गया है कि नहीं। अब दोस्तों चाशनी में उबाल आ गया है, यानी कि चीनी का जो पानी उपनी तरह से घोल गया है, उसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल देंगे ताकि चाशनी का कलर मस्त दिखे, है कि नहीं। दोस्तों चाशनी बनते रहेगा तब तक इसका हम गोलियाँ बना लेंगे कि नहीं। दोस्तों इस तरह से पूड़ियाँ बना लेंगे, देख रहे हैं ना, इस तरह से मैंने बना लिया। दोस्तों जितना भी बचा है उसको हम उसी प्रोसेस में सबको बना लेनी है। ओके गाइस, दोस्तों इसको बनाना बहुत ही इजी है, ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, आप कम समय में इस मिठाई को आप बना के खा सकते हैं, अपना परिवार के साथ, अपना फैमिली मेम्बर के साथ आप इसको खा के इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है कि नहीं। दोस्तों सबको मैंने बना के फाइनल कर लिया है, बना के कम्प्लीट कर लिया, अब इसको ट्राई करने के बारी है। दोस्तों इसको आप हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिए, नहीं तो फिर आपका ऊपर जो है ना काला कलर आ जाएगा और अंदर कच्चा ही कच्चा आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसको लो फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि बढ़िया से अंदर तक पक जाए, कि नहीं। दोस्तों इस तरह से मैंने पका लिया है कि नहीं। अब इसको थोड़ा देर में इसको पलटी भी करना है, एक तरफ से अगर छोड़ देंगे ना तो फिर आपका सही से पकेगा नहीं, नीचे का काला यानी कि पकड़ लेगा और उससे पकेगा नहीं, कि नहीं। दोस्तों ये फर्स्ट स्टेप मैंने डाला था, ये मेरा फ्राई होकर रेडी हो गया, कितना एकदम गोल्डन कलर आ गया है कि नहीं, मस्त दिख रहा है कि नहीं। दोस्तों चलिए दोस्तों और एक बार डालते हैं, जो जितना बचा है वो सबको हमें इसी तरीके से फ्राई करना है। दोस्तों आग का जो फ्लेम है ना बिल्कुल हाई नहीं करना है इसको, हाँ भले मीडियम में हो सकता है लेकिन आप हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत पकाए, नहीं तो फिर आपका ये मिठाई जो बन रहा है ना ये आपका उम्मीद पानी में फिर जाएगा। ओके दोस्तों इस तरह से सबको मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है, अब मेरा चाशनी भी रेडी है। ओके दोस्तों, कितना गोल्डन कलर मज़ा आ रहा है ना, कि बहुत मस्त दिख रहा है। तो मेरा चाशनी भी रेडी है और चाशनी भी हल्का गर्म रहना दोस्तों, नहीं तो फिर आपका बढ़िया से बनेगा नहीं, बढ़िया से जो पानी ना चाशनी का पानी अंदर तक नहीं जाएगा। ओके इसलिए चाशनी भी हल्का गर्म रहना चाहिए। दोस्तों इसको हम 5 मिनट तक ढक के रखेंगे, 5 मिनट के अंदर ही आपका पानी जो है ना, जो चाशनी का जो पानी है अब्सॉर्ब कर लेगा वो मिठाई में। ओके दोस्तों देख रहे हैं कितना रस से भरपूर एकदम
दिख रहा है कि नहीं, कितना मस्त और एकदम गोल्डन कलर का, एकदम रसगुल्ला जैसा, यानी कि रसगुल्ला नहीं दोस्तों, गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है कि नहीं। बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत मजा, देखने में बहुत सुंदर लगे, तो खाएंगे ना तो फिर और कितना डबल मजा आने वाला है। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। देख रहे हैं ये ना कि इसका जो रस है ना, जो चाशनी का पानी है ना, वो अंदर तक गया है दोस्तों। इससे पता चलता है कि इतने खाने में कितना जबरदस्त और मजा आएगा कि नहीं दोस्तों। मैंने खा के ट्राई किया तो इतना मजा आया ना दोस्तों कि पूछो मत। आप भी